पश्चिम बंगाल की 9 सीटों समेत 59 लोकसभा सीटों पर 19 मई को होगा अंतिम चरण का मतदान। लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंसा का बोलबाला, अमित शाह के रोड शो के दौरान कोलकाता में कल भड़की हिंसा। कोलकाता में फिलहाल स्थिति सामान्य, रात में सीएम ममता बनर्जी और मंत्री पार्थ चटर्जी ने घटनास्थल का लिया जायजा। कल कोलकाता में अमित शाह के रोड शो के दौरान हुई हिंसा पर आज तेज होगी सियासत, टीएमसी और बीजेपी ने की प्रदर्शन की तैयारी। कल हुई हिंसा के खिलाफ आज सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में मार्च निकालने का किया ऐलान, पदयात्रा करेंगी। कोलकाता में भड़की हिंसा पर लेफ्ट ने भी प्रदर्शन के लिए कसी कमर, सुबह 11 बजे कोलकाता में प्रदर्शन की तैयारी। दिल्ली बीजेपी ने भी दिल्ली में सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी की, सुबह 10:30 बजे जंतर मंतर पर होगा प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में आज फिर सियासी घमासान, पीएम मोदी की आज पश्चिम बंगाल में 2 रैलियां, दोपहर में 3:25 पर बरसात में करेंगे रैली। शाम 5 बजे पीएम मोदी की पश्चिम बंगाल के जामिन हर्बर में रैली, मोदी की पहली रैली आज सुबह 10:30 बजे बिहार के पालीगंज में, दूसरी रैली 1:15 बजे झारखंड के देवघर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज पश्चिम बंगाल में करेंगे 2 जनसभाएं, हावड़ा और दोपहर 12:30 बजे होगी पहली रैली। दोपहर 2 बजे सीएम योगी नॉर्थ कोलकाता के फूल बागान गेट में करेंगे रैली। रैली से पहले सीएम योगी ने कोलकाता में हुई हिंसा की निंदा की, सीएम ममता बनर्जी को ठहराया दोषी, ममता सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। कोलकाता में भड़की हिंसा पर ममता बनर्जी ने दिया विवादित बयान, कहा कि बीजेपी के 2 गुंडों का है काम, पीएम मोदी और अमित शाह को गुंडा बताया। दो गुंडा, एक तो मोदी गुंडा और एक तो अमित शाह गुंडा, दो गुंडा। सीएम ममता बनर्जी की बीजेपी को धमकी, कहा मैं दिल्ली स्थित बीजेपी दफ्तर और उनके घरों पर पल भर में कर सकती हूँ कब्जा। আমি দিল্লিতে তোমার ঘর দখল করতে পারি, তুমি জানো তো, তোমার ওই বিজেপি অফিসটা নিতে আমার 1 সেকেন্ড লাগে। সিএম মমতা ব্যানার্জি কা আরোপ, বিজেপি কার্যকর্তাও নে তোড়ি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কি প্রতিমা। মমতা ব্যানার্জি নে কাহা মুঝে পতা চলা কি বিজেপি কে কুছ গুন্ডে বিদ্যাসাগর কলেজ মে ঘুস আয়ে হ্যায়, মে উনে আসানি সে জানে নাহি দুঙ্গি। टीएमसी ने पीएम मोदी की चौकीदार कैंपेन की तर्ज पर चलाया अभियान, टीएमसी नेता अपने नाम के पहले जोड़ रहे हैं विद्यासागर। अमित शाह ने हिंसा को लेकर ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा लोकतंत्र का गला घोट रही है सीएम ममता बनर्जी। तृणमूल कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा नहीं करती है, लोकतंत्र का गला है। जेटली का पलटवार, हिंसा के लिए टीएमसी को ठहरा जिम्मेदार, कहा गैंगस्टर सरकार ने पश्चिम बंगाल पर कर लिया है कब्जा। जेटली ने पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष मतदान पर उठाए सवाल, बोले चुनाव आयोग पर टिकी है सबकी नजरें। जेटली ने अमित शाह के संघर्ष को सराहा, कहा सिर्फ पीएम मोदी और अमित शाह पश्चिम बंगाल में ला सकते बदलाव। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने किया ट्वीट, ये टीएमसी के समापन की शुरुआत है। लेफ्ट के नेता डी राजा ने पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा के लिए लेफ्ट और बीजेपी दोनों को ठहराया जिम्मेदार। कोलकाता में हिंसा के बाद बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से की मुलाकात, अमित शाह ने चुनाव आयोग से की मांग, मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल में बेदखल। बीजेपी ने केंद्रीय बल का फ्लैग मार्च कराने और सीएम ममता बनर्जी के प्रचार पर प्रतिबंध की मांग की, ममता के भड़काऊ बयानों का दिया हवाला। टीएमसी भी चुनाव आयोग से करेगी संपर्क, मांगा वक्त। आज वाराणसी में भी सियासी घमासान, प्रियंका गांधी करेंगी रोड शो, अजय राय के लिए मांगेंगी वोट। शाम 4:30 बजे रोड शो करेंगी प्रियंका गांधी, बीएचयू से काशी विश्वनाथ मंदिर तक होगा रोड शो। शाम 7 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगी प्रियंका गांधी, करेंगी पूजन अर्चन। शाम 7:30 बजे काल भैरव मंदिर में भी दर्शन के लिए जाएंगी प्रियंका गांधी। प्रियंका की मौजूदगी के बीच आज काशी में डटे रहेंगे अमित शाह, सुबह 10 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी वाराणसी में आज जारी करेगी प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो संदेश, संदेश में जनता से रिकॉर्ड मतदान की अपील। बीजेपी ने प्रचार के अंतिम दिन वाराणसी में पीएम मोदी के रोड शो की बनाई है योजना, 17 मई को रोड शो करेंगे पीएम, सुषमा स्वराज भी रहेंगी मौजूद। महागठबंधन ने भी काशी में लगाया जोर, कल मायावती अखिलेश की वाराणसी में होगी साझा रैली। आज यूपी की देवरिया और मऊ में महागठबंधन की साझा रैली, माया अखिलेश और अजीत सिंह रहेंगे साथ। आज मध्य प्रदेश के धार और अलीराजपुर में अमित शाह करेंगे जनसभा, पहली रैली धार में सुबह 11:30 बजे। पंजाब के बठिंडा में स्मृति ईरानी और संगरूर में राजनाथ सिंह की भी सभा आज। कल खराब मौसम के चलते मंडी में रैली नहीं कर पाई प्रियंका गांधी, वीडियो मैसेज भेजकर जनता से कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने की अपील की।
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का बयान, कोलकाता में मुश्किल से बचे अमित शाह की जान। मनोज तिवारी ने कहा, दिल्ली में केजरीवाल की डूब चुकी है नैया, पश्चिम बंगाल में ममता की नैया डूबने वाली है। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने भी कोलकाता हिंसा के लिए सीएम ममता बनर्जी को ठहराया जिम्मेदार, राष्ट्रपति से दखल की मांग की। अभिनेता धर्मेंद्र ने पठानकोट में बेटे सनी देओल के लिए प्रचार किया। पटना साहिब से चुनाव मैदान में उतरे रविशंकर प्रसाद का कल राजनाथ सिंह ने किया प्रचार, बाढ़ में की रैली। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का फिर प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान, फिर खोला नीच अध्याय, पहले के बयान को ठहराया जायज। मणिशंकर अय्यर ने मोदी को बताया सबसे गंदी जुबान वाला पीएम, कहा 23 मई के बाद तय है विदाई, उतारी मोदी की नकल। मीडिया के सवालों पर मणिशंकर अय्यर ने खोया आपा, मीडिया कर्मियों को दी गाली। क्या कहेंगे आप सर? नो, ऐसे सवाल करते हो सर आजकल के करंट में? अरे, प्रधानमंत्री मोदी के बादल और रडार वाले बयान पर कसा तंज, बोले पीएम को विज्ञान की जरा भी समझ नहीं। यूपी के सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर बनाए ईवीएम स्ट्रांग रूम्स के बाहर एसपी बीएसपी के और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, ईवीएम मशीनें बाहर ले जाने का लगाया आरोप। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने ईवीएम से लदी दो गाड़ियों को गेट पर ही रोका, प्रशासन के लोगों से हुई तीखी झड़प। भोपाल में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने ईवीएम के स्ट्रांग रूम का लिया जायजा, 40 मिनट तक जेल परिसर में की पड़ताल। अमरावती में आपा खो बैठी कांग्रेस की विधायक, अफसरों से की गाली गलौज। दिग्विजय सिंह की राह पर राज बब्बर, जीत के लिए धर्मशाला स्थित बगलामुखी मंदिर में किया अनुष्ठान। ममता बनर्जी की विवादित तस्वीर को लेकर फंसी प्रियंका शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, लेकिन नहीं हो सकी रिहाई। रिहा होते ही प्रियंका शर्मा को ममता बनर्जी से मांगनी होगी माफी, सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की महिला नेता के सामने रखी है शर्त। आखिरी दौर के मतदान के लिए कोलकाता पहुंची सीआरपीएफ की दो टुकड़ियां, सड़क पर किया मार्च। चंडीगढ़ में पीएम मोदी की रैली के दौरान यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, बेरोजगारी के मुद्दे को उठाने के लिए बेचे पकौड़े। पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने पुलिस स्कॉर्ट नहीं मिलने पर 4 घंटे तक थाने के सामने दिया धरना, बाद में पुलिस सुरक्षा मिलने के बाद हरिद्वार के लिए हुए रवाना। आज अलवर जाएंगे राहुल गांधी, गैंगरेप की पीड़िता से करेंगे मुलाकात। अलवर गैंगरेप के खिलाफ कल बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीना ने रेलवे स्टेशन पर किया प्रदर्शन, पुलिस से हुई तीखी झड़प। पीएम मोदी ने भी रैली में उठाया था अलवर गैंगरेप का मुद्दा, गैंगरेप के सभी 6 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। आईपीएल ट्रॉफी के साथ सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची नीता अंबानी, गणपति के दर्शन किए। दिल्ली में कुछ लोगों ने युवक को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। विजन ऑर्डर के गैलेक्सी वेगा अपार्टमेंट की पार्किंग से निकला बाइक सवार कार से टकराया, बाल बाल बची जान। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ पूरा हादसा, कार से टक्कर के बाद उछल कर दूर गिरा बाइक सवार, लेकिन फौरन उठकर खड़ा हो गया। लखनऊ में नाली के मामूली विवाद में दरोगा ने चलाई गोली, एक महिला और युवक गोली लगने से घायल। लोगों ने दरोगा को घेरा, पुलिस ने मुश्किल से छुड़ाकर आरोपी दरोगा को गिरफ्तार किया। गंगोत्री से श्रद्धालु को लेकर लौट रही बस के ड्राइवर की अचानक बिगड़ी सेहत, बस को किनारे खड़ी करते ही हुआ बेहोश, यात्री सुरक्षित। मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश घायल। भारत ने 19 पाकिस्तानी कैदियों को किया रिहा, सभी को अटारी वाघा बॉर्डर से छोड़ा गया। यूपी के मुरादाबाद में 8 साल की मासूम से रेप आरोपी गिरफ्तार। हैदराबाद की एक महिला को सऊदी अरब के रियाद में बंधक बनाए जाने का आरोप, परिजनों ने सुषमा स्वराज से की गुहार। बर्धमान में मंदिर से मूर्ति चोरी, सोने के 3 मुकुट और देवी के गहने भी ले उड़े चोर। सीतामढ़ी में कैश लूटकर भाग रहे 3 बदमाशों को गांव वालों ने दबोचा, पुलिस के हवाले किया। प्रयागराज में कैब ड्राइवर की हत्या के आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े, महज 700 रुपए और 2 मोबाइल की लूट के लिए कर दी थी हत्या। सुपौल में अज्ञात वाहन की चपेट में आज मासूम की मौत, एक बच्ची घायल, लोगों ने किया हंगामा। नोएडा के सेक्टर 39 में एक ऑटो में अचानक लगी आग, कुछ ही देर में जलकर हुआ खाक। दंतेवाड़ा के तेवड़ा में नक्सलियों ने मचाया उत्पात, 3 आईवा और पोकलेन में लगाई आग। गुवाहाटी में 5 रोहिंग्या मुसलमानों को आरपीएफ ने दबोचा, दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ने की कर रहे थे कोशिश। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कुदरत का कोहराम, बादल फटने से जुड़वा भाइयों की मौत। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बीड़ी सिगरेट विवाद में पान वाले को जिंदा जलाया गया, आरोपी गिरफ्तार। मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा करने आए श्रद्धालु की संदिग्ध हालत में मौत, धर्मशाला के कमरे में मिली लाश। राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक्सीडेंट के बाद मौत का हर्जाना नहीं मिलने पर बवाल, गुस्साए लोगों ने मकान में लगाई आग। सीरिया के हमा में विद्रोहियों की तोपों से हमले की तस्वीर सामने आई, खंडर में तब्दील दिखा शहर। सीरिया की सेना ने बरसाए गोले, धमाके के बाद जगह जगह दिखा धुएं का गुब्बार।
इसराइल के तेल अवीव में यूरोविजन के खिलाफ सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी 17 मई को प्रदर्शन से जुड़ेंगे। मैडोना कहा, किसी राजनीतिक दबाव में संगीत से नहीं कर सकती तौबा। कांस में फिल्म महोत्सव की शुरुआत, रेड कार्पेट पर दिखा सितारों का जलवा। डिजाइनर ड्रेसेस में रेड कार्पेट पर उतरी नामचीन हस्तियां, फोटोग्राफर्स ने उन्हें कैमरे में कैद करने की मची होड़। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।